जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं आज कात्यायनी माता की पूजन विधि। नवरात्रि के छठे दिन का शुभ रंग, भोग, मंत्र और माता रानी का पूजन विधि। नवरात्रि में छठे दिन यानी आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। इस दिन बंगालियों की दुर्गा पूजा भी शुरू हो जाती है। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। शादी से संबंधित मामले जैसे शीघ्र विवाह, प्रेम विवाह के लिए देवी कात्यायनी की पूजा अचूक मानी गई है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप, भोग, प्रिय रंग और मंत्र। देवी दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था। देवी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और चमकीला है। इनकी चार भुजाएं हैं, जिसमें से एक तलवार कमल लिए हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो दूसरा वर मुद्रा में इनकी उपासना से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी की पूजा में पीले या फिर ग्रे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गोधूली मुहूर्त में देवी को पीले पुष्प या बेर के पेड़ का फूल भी चढ़ा सकते हैं। देवी के इस स्वरूप को बेर के पेड़ का फूल अति प्रिय है। 1650 से देवी की आराधना करें, शहद का भोग लगाएं और माँ के मंत्रों का जाप करें और कथा पढ़ने के बाद देवी की आरती करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति से भी है। बृहस्पति देव को विवाह का कारक माना जाता है। शादी की बाधा दूर करने या मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए नवरात्रि में देवी के इस स्वरूप की पूजा बहुत फलदायी मानी गई है। छठवें दिन विवाह योग्य युवती शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। कुमकुम, रोली, अक्षत, हल्दी की गांठ, शहद देवी को अर्पित करें। हाथ में पीले फूल लेकर अपनी प्रार्थना कहते हुए इसे देवी को अर्पित करें। अब 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम कात्यायनी महामहे महायोगिन धिदेश्वरी नंद गोपर सूत देही पति मे कुरुते नमः कहते हैं। इससे मनचाहा जीवन साथी पाने की तमन्ना पूरी होती है। वहीं लड़कों की शादी में कोई अड़चन आ रहा है तो वह बताई गई विधि के अनुसार पूजा करें और पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तान साड़ी ताड़ी दुर्गस्य सार्ग सागरस्य कुलोवधाम मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र, बीज मंत्र क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः पूजा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का भोग, देवी को शहद और मीठे पान का भोग लगाया जाता है। इससे परिवार और वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।